हम सबको बर्फ में घूमना और बर्फ से खेलना अच्छा लगता है, और हमने टीवी में भी बर्फ से बने इग्लू के बारे में जरूर सुना होगा। तो आज हम देखने वाले हैं ऐसी ही एक इग्लू होटल के बारे में। तो आप सबको भी सुन के मजा आने वाला है, क्योंकि हमारे इंडिया में भी इग्लू होटल अवेलेबल है। हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश के मनाली में किलिंगा एडवेंचर द्वारा ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इन लोगों के पास दो प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, जो दोनों अलग अलग जगह पर है। एक प्रॉपर्टीज में करीब 6 से 7 इग्लू होते हैं। हम सब लोग घर की छतों के नीचे और आसमान के नीचे तो ज़रूर सोते हैं, लेकिन क्या आप कभी इग्लू में सोए हैं? उस जगह का टेम्परेचर करीब -8 डिग्री से -10 डिग्री तक होता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड होगी। लेकिन जैसे इग्लू के अंदर जाते हैं तो लगता है कि हम गर्म जगह पर आ गए हैं। इग्लू बना तो बर्फ से ही होता है, लेकिन हमें वहाँ पर गर्मी का एहसास होता है। कमाल की बात है ना, बर्फ से बनी चीज़ भी गर्मी दे सकती है। हम रात को जैसे ही इग्लू में सोने जाते हैं ना, तो आपको अंदर एक बर्फ का बेड बिछा हुआ दिखता है। आप लोग सोचेंगे कि बर्फ का बेड, इस बेड पर कौन सोएगा, मरना है क्या? लेकिन उनकी गर्म और मुलायम चद्दरों की वजह से हमें बिल्कुल ठंड नहीं लगती, और हमें बहुत ही गहरी और चैन की नींद आती है, इसलिए हमें ठंड नहीं लगती। ये तो हुई इग्लू की बात, लेकिन हम वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे कि स्कीइंग कर सकते हैं, ट्यूबिंग कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ उन लोगों के द्वारा ही सही तरीके से बताई और सिखाई जाती है। और उसके अलावा हम बर्फ से खेलना तो नहीं भूलेंगे ना। अगर खाने पीने की बात करें तो पूरे दिन का खाना पैकेज में ही आ जाता है। इस पूरे पैकेज की प्राइस की बात करें तो करीब 5,500 पर पर्सन होता है, जिसमें खाना पीना, इग्लू स्टे और सारी एक्टिविटीज़ भी आ जाती है। इस जगह पे शुरुआत के दिनों से ही एडवांस बुकिंग चलती है। अगर आपको भी कभी यहाँ पे जाना है तो आपको भी एडवांस बुकिंग करा के ही जाना होगा, तभी आपको वहाँ पर जगह मिलेगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ पर से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। फिल्मों में, टीवी में या तो फिर कार्टून में इग्लू ज़रूर देखा होगा, लेकिन आपने सोचा है कि इसके अंदर रहने का एक्सपीरियंस कैसा होगा? अब अगर आप नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक बार तो ज़रूर रहना चाहिए। पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ और एकदम बर्फ के बीचों बीच बना हुआ इग्लू, वहाँ पर रहने का एक्सपीरियंस कैसा होगा, क्या आपने कभी ये सोचा है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे जा सकते हैं। मनाली तक आप बाय एयर, ट्रेन या रोड कैसे भी जा सकते हैं। बाद में आपको मनाली से प्रिनी विलेज तक, जहाँ पर इग्नू है, वहाँ तक आपको वो लोग ही ले जाएंगे, और ये सब पैकेज में ही इंक्लूड है। ये रास्ता करीब 15 से 16 किलोमीटर का है, जो आपको 4x4 व्हीकल से ले जाएगा, और ये रास्ता भी एक एडवेंचर राइड ही है, जो बर्फ के बीचों बीच से आप जाएंगे और चारों ओर का नज़ारा भी देखने लायक होगा। इस रास्ते में भी आपको पूरा एडवेंचर मिलेगा और पूरा एन्जॉयमेंट भी मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा। ये जगह दिसंबर से मार्च तक खुली रहती है, लेकिन अब मिड जनवरी से फेब्रुआरी के एंड के बीच में जाएंगे तो ये बेस्ट टाइम होगा। अगर आपको इस टाइम पर बुकिंग मिलता है ना, तो इसी टाइम में आपको जाना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारे लोग एडवांस बुकिंग करते हैं, तो आपको भी जल्दी बुक करना होगा। अगर आप मनाली जाने का प्लान बना रहे हैं ना, तो आपको इस जगह का अनुभव एक बार ज़रूर लेना चाहिए। और हाँ, अगर आप मनाली जा रहे हैं तो एडवांस बुकिंग कराना मत भूलिए इस जगह की, क्योंकि शायद आपको वहाँ पर जाके जगह नहीं मिलेगी। इस इग्लू होटल के 2-4 पैकेज अवेलेबल है, जो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सिंगल डे विजिट और 1 नाइट स्टे पैकेज और 2 नाइट स्टे पैकेज जैसे पैकेज देखने मिल जाएंगे। तो आप मनाली जा रहे
तो इस जगह को आपके ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर डाल देना, क्योंकि यहाँ पर एक दिन रुकने का अनुभव काफ़ी बढ़िया होगा और आप हमारे इंडिया में ही इग्लू का अनुभव ले सकते हैं। तो आप कभी इस जगह पर जाओ ना तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको यह जगह कैसी लगी। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।